फ्रेंड आज आप लोग बताएंगे डीसी मशीन जिसमें बूट केबल को यूज किया जाता है उसको रिपेयर कैसे करते हैं, यानी बूट केबल को रिपेयर कैसे करते हैं। चलिए यहाँ से बूट केबल को जो प्लस और माइनस का प्रोब होता है उसको मैंने इनपुट कर दिया। करने के बाद यहाँ से देखिए जो बूट केबल का लाइट होता है वो लाइट बुझ जा रहा है, यानी लाइट आ ही नहीं रहा है। चलिए यहाँ से प्लस और माइनस दोनों को एक साथ सटाते हैं ताकि कुछ भी तो रीडिंग ले सकता है बट रीडिंग नहीं ले रहा है। इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे बिकॉज मैंने अभी इसको खरीद के लाया है, खरीद के लाने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। जो बैक से स्क्रू दिया होगा 4 स्क्रू और 4 स्क्रू को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ और उसको रिपेयर करके बताएंगे कि कैसे करना है। अगर आप भी इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल न्यू बूट केबल है, अभी इसको खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें तो लाइट आ ही नहीं रहा है, लाइट आ रहा है थोड़ा सा ब्लिंकिंग करके फिर हट जा रहा है। चलिए इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मात्र आपको एक जम्पर मारना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। यहाँ से जो प्लस वाला वायर है यानी रेड वायर के जस्ट सामने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से फ्लक्स यानी पेस्ट डाल देते हैं। बस यहाँ से क्या करना है एक जम्पर मारना है, माइनस पॉइंट पे नहीं प्लस पॉइंट पे मारना है। थोड़ा सा और यहाँ पे डाल देंगे 138 का PPD डाल देंगे ताकि जल्द से ना यहाँ से ग्लो हो सके। डाल दिया, डालने के बाद ऐसे आयरन का यूज करके, जो आयरन है मेरा यूज करके उसको मैं एक जम्पर मारता हूँ प्लस वाले पॉइंट पे। अगर आपका भी बूट केबल इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपके बूट केबल में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से एक जम्पर मार देंगे प्लस वाले पॉइंट से। और एक वाले जम्पर इधर मार देंगे सामने। देखिए जैसे ही जम्पर मार रहा देखिए यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गया, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इसको आप चेक करके भी आप लोगों को दिखाएंगे कि बूट केबल मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से जम्पर मार दिया, चलिए इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, जो नट खुला हुआ था उसको टाइट कर देते हैं। आपको मात्र एक ही जम्पर मारना है, एक ही जम्पर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके भी बूट केबल में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरह से अपना बूट केबल को फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू है, जैसे लेटेस्ट में जो भी डीसी मशीन आ रहा है तो उसमें सारे बूट केबल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट कराने के लिए आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस को एक साथ थोड़ा सा सटाके से करेंगे, देखिए यहाँ से जैसे ही सटाएंगे तैसे ही रीडिंग लेगा। देखिए यानी वोल्टेज आना मेरा शुरू हो गया, दैट मीन्स मेरा ये ट्रिक वर्क कर गया और बूट केबल भी मेरा फिक्स हो गया। लाइट केबल भी देखिए प्रॉपर यहाँ से लाइट जल रहा है, जैसे ही प्लस और माइनस के एक साथ शॉर्ट कीजिएगा तो फिर ये